हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली कॉमेडी। सो आज हम बात करने वाले नेचुरल गैस के जुलाई फ्यूचर्स करंटली मार्केट में किस तरह से ट्रेड हो रहे हैं। एज ऑफ द फैक्ट आपको पता होना चाहिए कल के जो इंट्राडे लेवल्स के जो टारगेट्स थे वो आपको अचीव होते हुए देखने को मिले हैं। यहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट आपको जरूर देखने को मिला और आप देख सकते हो कि यहाँ पर MACD ने हमें एक क्लियरली यहाँ पर इंडिकेशन दे दिया था कि यहाँ पर बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है। भले ही यहाँ पर कॉन्सोलिडेट जरूर किया, बट फिर भी अगर आप यहाँ पर भी अगर आप ट्रेड के लिए एंट्री लेते हो और अपना जो स्टॉप लॉस दैट इज S3 रखते तो आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ और अपसाइड डायरेक्शन के अंदर आपको 1.5 से लेकर 2 पॉइंट तक के जो टारगेट्स है वो आपको आराम से देखने को मिल गए हैं। सो करंटली अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेंड लेवल जरूर बना सकते हैं, बिकॉज एक अच्छा सा हाई प्राइस ने जरूर मारा है कल, जो कि है नियरली 281 के नियर बाय। आप समझ सकते हो कि अगर अपसाइड डायरेक्शन के अंदर अगर आज दैट इज आज की अगर मैं बात करूँ 13 जुलाई, तो अगर आज समझ 281 के अगर ऊपर जाता है तभी आपको बाय पोजीशन का सोचना चाहिए, उससे पहले नहीं सोचना चाहिए। जस्ट एज ऑफ द फैक्ट अगर आप कल सेफ ट्रेड की ओर से भी अगर आप देखते तो भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर आप प्रीवियस हाई जो था और उसके प्रीवियस हाई का जो प्राइस लेवल था वो प्राइस लेवल से यहाँ पर रिट्रेस जरूर कर रहा था, 2 से 3 बार इसने कर चुका था, बट यहाँ पर भी आप देख सकते हो दैट इज एंट्री अराउंड 278 के आसपास आप एंट्री लेते हैं और आपकी एग्जिट नियरली 280 के आसपास, दैट इज 1 से 1.5 पॉइंट तक के जो टारगेट्स आपके सिर्फ 15 से हाफ आवर के अंदर यहाँ पर आपको कंप्लीट होते हुए देखने को मिले हैं। सो वो बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट बात होगी। अगर आप समझ लो यहाँ पर हमारा जो इंडिकेटर जो है हमने जो बनाया अगर उसके थ्रू भी ट्रेड लेते तो भी आपके जो टारगेट है वो अचीव हो जाते। अगर आप ट्रेंड लाइन के थ्रू भी अगर आप कल इसमें ट्रेड लेते तो आपके आराम से टारगेट अचीव हो जाते हैं। सो अगर मैं डाउन साइड की यहाँ पर बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा सा सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर आपको एक्ट करते हुए देखने को मिल सकता है। इसके पीछे आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अगर आपको एक अच्छा सा कंफर्मेशन चाहिए डाउन साइड के अंदर दैट इज शॉर्ट पोजीशन के अंदर तो मेरे हिसाब से आपको 50 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि आपको नियरली यहाँ पर दिख रहा है अगर उसको अगर नीचे तरफ से ब्रेकआउट देता है डाउन साइड के अंदर तो आपको 1.5 से लेके 1.2 तक के जो टारगेट्स होंगे डाउन साइड लेवल के अंदर वो आपको आराम से देखने को बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, ऐसे ट्रेडिंग करने के लिए आपके लिए ज्यादा मददगार रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें आप इंस्टाग्राम पेज पर भी जरूर फॉलो कर सकते हो @DailyCommodity। सो थैंक यू।